सो गाइस स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भी अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर तो अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर कुछ ना कुछ खबरें आती रहती है तो आज फिर से जो अभी एक दो बड़ी खबरें आते हुए नजर आई है उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और उनका इफेक्ट कैसा रह सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो अडानी एंटरप्राइजेज लगभग साढ़े के करीब स्टॉक में रैली बनी है भाई और इस तेजी को लेकर हमारी कल की जो अडानी ग्रुप के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी ना उसमें क्लियर बताया था कि अडानी एंटरप्राइजेज हमें कल के दिन उछलते नजर आएगा अगर आपने ओपनिंग के भाव में स्टॉक में पैसा लगाया है तो आपका जो ना यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट्स बनते हुए नजर आया ठीक है उसके बाद आप लोग देखोगे भी अडानी ग्रीन एनर्जी है ये पॉइंट फोर फोर परसेंट की तेजी पर रहे हैं अडानी पोर्ट्स ये भी फोर फोर परसेंट पॉइंट फोर फोर परसेंट अडानी पावर की बात करें तो ये लगभग आप लोग कभी तीन परसेंट तक लास्ट में उछल चुका था ठीक है लेकिन एक दो परसेंट के आसपास जो है इसकी की भी करेक्शन होते हुए नजर आए ऊपर के भाव से उसके बाद आप लोग टोटली टूटा भी है अपनी तेज़ी से टूट रहा है ठीक है अडानी बिल मारे ये थोड़ा नेगेटिव गया अबूजा सीमेंट पॉजिटिव रहा है तो कुछ एक स्टॉक है जो नेगेटिव गए हैं लेकिन कुछ स्टॉक जो है ना अडानी ग्रुप के पॉजिटिव रहे हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशन दो परसेंट दो ढाई परसेंट के करीब टूटे ऐसी सीमेंट एक परसेंट के करीब टूटते हुए नजर आया है तो आप लोगों को पता होगा भाई अडानी एंटरप्राइजेस क्यों तेजी दिखाई है क्योंकि कल के दिन एक बड़ी खबर आई थी करण अडानी जो इस अडानी एंटरप्राइजेस के क्या है डायरेक्टर है उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि वो जो है अभी आप लोग देखोगे बिहार के अंदर आठ हजार सात सौ करोड़ रुपए ठीक है आठ हज़ार सात सौ करोड़ रुपए का जो है ना भी आप लोग देखोगे इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसी खबर की वजह से अडानी एंटरप्राइजेज आज हमें जो है भी एक अच्छे खासे उछाल पर दिखाई दिया है और इसका जो असर है वो और स्टॉक्स के ऊपर भी रहा है भाई ठीक है कुछ एक स्टॉक है जो नेगेटिव रहे लेकिन इतनी बड़ी भी करेक्शन नहीं बनी है अडानी एनर्जी सोल्यूशन को छोड़कर और सभी स्टॉक जो है ना भी ठीक ठाक रेंज में हमें देखने को मिले मार्केट भी काफ़ी अच्छा जो है अभी मूव करते हुए नजर आई है तो चलिए देखते हुए डिटेल में आगे क्या कुछ माहौल बन सकते हैं और क्या खबरें निकल कर आ रही है खबरें ये है कि दो कंपनियां जो अभी मर्ज होने जा रही है डानी ग्रुप की तो कौन सी कंपनियां चलिए वो देख लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखो देखोगी एक या दो नहीं पूरी तीन खबरें निकल कर आई हैं सबसे पहले यहाँ पर देखोगे भी कॉपर प्लांट लगा रही है अडानी की कंपनी मार्च में होगी शुरुआत होगा ये असर तो आप लोग देखोगे भी अडानी एंटरप्राइजेज की सब्सिडी कच्छ कॉपर लिमिटेड जो नी दो चरणों में प्रतिवर्ष दस लाख टन जो रिफाइंड कॉपर के जो नी उत्पाद के लिए एक कॉपर रिफाइनरी परियोजना स्थापित कर रही है तो एक तो ये होगी बड़ी खबर जिसकी वजह से अडानी एंटरप्राइजेज फोकस में रहा है तो आप लोग देखोगे गुजरात के अंदर जो ना भी एक और जो बड़ा प्लांट है कॉपर प्लांट है वो लगाने जा रही है अडानी ग्रुप के जो अडानी एंटरप्राइजेज है ये तो चलिए अब आपको दिखाते हैं दूसरी खबर तो यहाँ पर आप लोग देखो जो दूसरी खबर है वो ये कि अडानी समूह ने मर्जर का जो नबी किया ऐलान इन कंपनियों का वजूद होगा खत्म शेयर खरीदने के लिए जो नबी लूट मची है तो कौन सी है अडानी ग्रीन एनर्जी ध्यान में रखना अडानी ग्रीन एनर्जी ने जो नबी भी दो स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनियों अडानी रूनएबल एनर्जी जो 51 लिमिटेड और अडानी रूनीबल एनर्जी 55 लिमिटेड के जो नबी विलय की जो ना गुरुवार को घोषणा कर दी है ठीक है इन दोनों कंपनियों का जो ना अभी मर्जर होगा कौन कौन सी है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 51 लिमिटेड और अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 55 लिमिटेड इन दोनों कंपनियों का मर्जर होगा ये अडानी ग्रुप की जो कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी उसकी तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट होते हुए नजर आई है कल के दिन अनाउंसमेंट हुई थी मार्केट क्लोजिंग के बाद खबर आई है तो ये खबरें भी बिल्कुल पॉजिटिव है जिसका असर संपूर्ण रूप से आप लोग देखोगे अडानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हमें देखने को मिलेगा तो यहां पर आप लोग देखोगे इसका असर कहाँ पर होना था अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर वो हमें आज के दिन देखने को मिला तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है तो चलिए अब आपको दिखाते हैं थर्ड खबर तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये जो खबर थी वो ये है जिसकी वजह से अडानी एंटरप्राइज में जबरदस्त रैली बनी है बिहार के ये जिले अडानी की लिस्ट में है और करेंगे सतासी सौ करोड़ रुपए का जो ना भी निवेश जानिए क्या है प्लान तो यहाँ पर देखोगे भी बिहार के अंदर पहले से भी इनकी जो ना भी मौजूदगी हमें देखने को मिल रही है वहाँ पर सबसे पहले आठ करोड़ रुपये का जो ना भी निवेश कर चुके हैं और अभी टाइम ऐलान कर दिया है सतासी करोड़ रुपये का और निवेश कर रहा है जिसमें करीब दस लोगों को जो ना भी नौकरी मिलेगी जॉब वगैरह मिलेगी बिहार में और अभी तक जो नबी अडानी ग्रुप ने आठ करोड़ रुपए का जो निवेश है वो किया है ठीक है पहले और अभी एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है तो यहाँ पर आप लोग देखोगे देश के बड़े उद्योगपतियों में सुमार गौतम अडानी का समूह बिहार में एक बड़ा निवेश करने जा रहा है और अडानी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रणव जो अडानी है प्रणव अडानी इन्होंने जो ना अभी ये गुरुवार को बताया उनकी कंपनी बिहार में सीमेंट के सीमेंट से लेकर लॉजिस्टिक्स में जो ना अभी सतासी सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगी एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो ना अभी करने जा रही है उन्होंने कहा कि इस निवेश से डायरेक्ट या फिर जो ना इनडायरेक्ट तौर पर लोगों के लिए नौकरियां के जो ना भी अवसर है वो बनेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट आते हुए नजर आई है ठीक है इससे जो ना भी आप लोग देखोगे जो बिहार के अंदर जॉबलेस जो, जो भी है जिनको जो ना भी काफी टाइम से जॉब की जरूरत भी थी भाई ठीक है ऐसे बहुत सारी देखो जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है उस प्रकार से बेरोजगारी भी बढ़ रही है इसमें कोई दो नहीं है लेकिन उसके लिए आप लोग देखो अगर इतना निवेश होगा तो उसके लिए दस हजार लोगों को नौकरिया मिलेगी इससे तो सबसे बड़ी बात तो ये है उसके बाद आप लोग देखोगे एक खुशखबरी भी है ठीक है तो इसी कारण आप लोग देखोगे अडानी ग्रुप फिर से फोकस में है और रही बात आगे तो आगे भी आप लोग देखोगे अडानी ग्रुप जो है भी फोकस में ही रहेगा ठीक है तो थोड़ी बहुत करेक्शन को लेकर परेशान नहीं होना आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद है लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अडानी ग्रुप के रिगार्डिंग कोई भी खबर आए वो आपसे मिस न थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो